Give some examples of heme proteins. Cytochrome, catalase, hemoglobin. Okay, ठीक है. आप मुझे ये बताएं कि why do we need heme proteins for the transport of oxygen? Because it can bind reversibly with oxygen. It can bind reversibly with oxygen. Okay. अच्छा जी, और कोई रीजन? कोई और बताएं. मिस बिकॉज अगर वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो फिर वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बना देगा और जो हार्मफुल और डेंजरस हो सकता है. ओके, व्हाई द कलर ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिफरेंट? Due to presence of oxygen. Due to presence of oxygen. Oxygen के presence होने की वजह से क्या होता है फिर? Oxyhemoglobin compound बनता है मिस, और वो red color का होता है. ठीक है, अब मुझे ये बताएं आपके oxygen जब bind करता है तो electronic properties change हो जाती हैं. हीम की और आयरन की, जिसकी वजह से कलर चेंज होता है. ठीक है, आप मुझे ये बताएं आप दैट व्हाट आर डिफरेंट बॉन्ड्स व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द चेंज ऑफ हीमोग्लोबिन. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस इन द क्वार्टर स्ट्रक्चर? हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस और हाइड्रोजन बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड हो सकते हैं. आयोनिक यूनिट के दरमियान में हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस होती हैं और टू डाइमर्स के बीच में होती हैं हाइड्रोजन और आयोनिक बॉन्ड. अच्छा, आप लोग अब जिसका नाम लूंगी अब वो बच्चा बस बोलेगा. ठीक है, और अगर वो नहीं बोलेगा तो मैं उसको क्लास से रिमूव कर दूंगी. ओके, हारिस खालिद. हारिस खालिद प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें. yes, और yes, आप ma'am. मुझे ये बताएं. जी हारिस, आप मुझे बताएं बेटा कि एलोस्टेरिक फैक्टर्स क्या होते हैं? मैम मैं कल वाला लेक्चर याद नहीं किया मैम. पढ़ा नहीं आपने? वैसे आपको प्रीवियस नॉलेज से कुछ पता हो दैट व्हाट आर एलोस्टेरिक फैक्टर्स? नो मैम, नो आईडिया. डोंट हैव एनी प्रीवियस क्लास में कभी नाम नहीं सुना. चलो ठीक है, अब सुनना, मैं दोबारा पूछूंगी. ठीक है, यस मैम. आप लोग कोई और बताएगा तो फिर मैं आपसे दोबारा पूछूंगी. जी इकान अहमद. इकान अहमद आप हैं या मैं आपको रिमूव कर दूं बेटा? I'm putting you in the waiting room for some time. सिर्फ जो बोलेगा, सिर्फ क्लास में पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ वही रहेगा. लारेब फातिमा. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम जी लारेब. मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? अभी मैंने क्वेश्चन किया नहीं है. क्वेश्चन ये है दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, द बाइंडिंग ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू द अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स.
मैम आई हैवंट प्रिपेयर्ड कल वाला लेक्चर आई एम सॉरी सुना तो था ना ये नहीं सुना सुना था मैम मुझे याद नहीं है ओके अभी आप सुने और कोई और जवाब देता है तो आप मुझे दोबारा बताएंगी लारेब ऑल राइट मैम रामीन असलम यस मैम जी रामीन आप बताएंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मैम थोड़ा सा हिंट देंगी मतलब मुझे आ जाएगा फिर इस तरह एक ऑक्सीजन अगर बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल पे तो वो बाकी ऑक्सीजन की बाइंडिंग पे कैसे इफेक्ट करती है मैम वो उसकी साइट पे ऑलरेडी अटैच्ड है तो वो उनको तो अटैच नहीं होने देगी अटैच नहीं होने देगी अच्छा ठीक है अब देखते हैं कि आप सही बता रहे हो कि नहीं जवार अहमद मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मैम फिजियोलॉजी का जो था वो टेस्ट था तो मैम नहीं पढ़ा और मैम किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा ठीक है नहीं पढ़ा लेकिन ये कोई इतनी ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी मैंने अगर आप ना भी पढ़ते आप खाली सुन लेते तो आपको आ जाता मैम no, सुना था दो एक तो ग्लोबुलर पार्ट के साथ अटैच हो जाती है और दूसरी जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाती है मिस ये होता है कि जब एक ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट पे अटैच होती है तो फिर वो उसके एफिनिटी को इंक्रीज कर देती है और जो बाकी होते हैं ना वो आराम से अटैच हो सकते हैं और जो फोर्थ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फिनिटी होती है ना वो 300 टाइम्स मोर इफेक्टिव होती है देन द फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बस ये आपने तय कर रखा है इतना भी कोई बता दे तो इसे काफी है आई एम नॉट आस्किंग कि आप डिटेल बताएं ठीक है क्यों रामीन और जवार कुछ बात पता चली यस yes, मैम याद आ गया क्या याद आया दोबारा बताओ मैम के जो एक मॉलिक्यूल है अगर ऑक्सीजन का वो बाइंड हो गया है तो वो दूसरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसकी एफिनिटी बढ़ा देगा मतलब उसको कैरी करने की सर्कुलेशन में लेकर जाने के लिए कॉल एज द कोऑपरेटिव बाइंडिंग कोऑपरेटिव बाइंडिंग यस मैम ओके अजीब अली यस मैम तहजीब मैं समझी yes, लड़की है मैं समझी लड़की है कोई नो मैम ओके अच्छा मुझे ये बताओ कि व्हाट इज मेंट बाय बोहर इफेक्ट मैम मेरी कल वैक्सीनेशन थी तो मैंने कल कोई लेक्चर्स नहीं लिए मैं कल वैक्सीनेशन सेंटर्स पे था और फिर बाद में फिजियोलॉजी टेस्ट तैयार कर रहा था चलो अब सुनो मुझे भी दोबारा बताना तहजीब ओके मैम ठीक है खुद ही बता देना मुझे नाम yes, ले लेना ओके मैम ओके जी इरम शफीक जी इरम यस मैम ओहो इतना इको इरम बताएंगे मुझे व्हाट इज बोहर इफेक्ट सॉरी मैम नहीं पढ़ा क्यों नहीं पढ़ा तुमने मैम फिजियो का टेस्ट था वाई केमिस्ट्री में फेल होना है नो मैम सप्ली तो सप्ली होती है किसी में भी आए क्यों शानजा अली Yes, Shanza. Shanza is not responding. Okay. Then go in the waiting room.
सोमन मिर्जा. यस मैम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम जी. बोहर इफेक्ट क्या होता है? सॉरी मैम, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा मैम, फिजियो के टेस्ट की वजह से. अगर आप लोग वैसे अकलमंद हो तो अभी पढ़ सकते हैं, आप लोगों के पास किताबें तो हैं. क्यों मैम? दो मिनट मैम, जस्ट अ मिनट. हमना वकार. व्हाट इज बोहर इफेक्ट? हमना एम. ये बोहर इफेक्ट मैम, ये बाइंडिंग इफेक्ट इनवर्स होता है हेमोग्लोबिन की मैम, यही था. हेमोग्लोबिन की बाइंडिंग इफेक्ट इनवर्स होती है और एसिडिटी और CO2 की. कुछ कुछ ठीक है. अच्छा जी, हमना वकार है या नहीं है? यस मैम. जी हमना, आप बताएंगे. और इस बोहर इफेक्ट मैम, इट्स शिफ्ट इन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. किधर को शिफ्ट, कैसा शिफ्ट? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच. ओके, व्हेन द पीएच इज लो इट मींस दैट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज हाई, देन यस वेयर विल द ग्राफ बी शिफ्टेड? What will be the effect on oxygen binding? Affinity is reduced. Affinity is reduced. Good. Achha ji, Hurish batayenge mujhe. Ji Hurish. Yes, miss. Okay, what is the effect of low pH on oxygen binding? लो पीएच में हमारे पास जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा हो जाती है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, और वो एफिनिटी कम कर देती है फॉर हीमोग्लोबिन टू बाइंड फॉर ऑक्सीजन. ठीक है, तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है. जी जी, ऑफलोड रिलीज हो जाता है. ठीक है, लो पीएच पर. ठीक है, अधिन लोगों ने नहीं पढ़ा था उन लोगों को समझ आ गई है. सुमन and the other ones, मुझे भूल भूल गया है, हमना and the other people. Yes, हम आ गए. समझ आ गई है? ठीक yes, है. ये जब protons की binding या protons की binding जब होगी hemoglobin के साथ oxygen release हो जाएगी, इसको बोहर effect कहते हैं. ठीक है, what is the effect of binding of, चले बाकी मैं आपको अभी बता रही हूँ. ठीक है, और वेटिंग रूम में कोई है या कोई चले गए हैं? कोई भी नहीं. चलें जी. ओके, अब मैंने क्योंकि कल वाली टॉपिक से दोबारा स्टार्ट करना था जहाँ पे मैंने कल फिनिश किया था. ठीक है, और हर क्लास में मैं पिछला पहले आपसे सुनूंगी फिर हम आगे चलेंगे. ठीक है, और आज तो मैंने आप लोगों को वेटिंग रूम में डाला है. नेक्स्ट मुझे जो आंसर नहीं करेगा मैंने उसको रिमूव कर देना. बट वंस यू आर रिमूव्ड आई थिंक यू कैन नॉट रीजॉइन अगेन. ठीक है, सो दैट्स व्हाई प्लीज बी अटेंटिव और पढ़ के आया करें. सिर्फ 3-4 सफ़े होते हैं, आपको आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा. थोड़ा सा पढ़ाई को टाइम दें अब, बिकॉज आपका एग्जाम है और ये आपका एग्जाम में इंक्लूडेड है टॉपिक. ठीक है. अच्छा जी, हम कर रहे थे द डिफरेंट एलोस्टेरिक फैक्टर्स. डिफरेंट एलोस्टेरिक फैक्टर्स जब वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं तो ऑक्सीजन की एफिनिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं, आइदर उनके बाइंड होने की वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा एफिनिटी के साथ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है या ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाती है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है. तो हमने जो फैक्टर्स पढ़े थे उसमें ऑक्सीजन पढ़ा था. अगर तो ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी तो फिर ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ जाएगी, बाकी सारे ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा एफिनिटी के साथ बाइंड होंगे. पीएच पढ़ा था, पीएच इफ इट इज लो इट मींस द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज हाई, तो फिर जो है ऑक्सीजन की एफिनिटी, अगर प्रोटॉन्स बाइंड करेंगे हीमोग्लोबिन के साथ तो वो ऑक्सीजन को रिलीज कराएंगे, एफिनिटी विल
decrease and the graph will shift towards right. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा था हमने, वो मैं भी आपको अभी दोबारा भी कराऊंगी. 2,3-bisphosphoglycerate पढ़ा था, वो भी मैंने आपको कहा था कि मैं आज रिपीट करा दूंगी. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रिपीट 2,3-bisphosphoglycerate कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन. ठीक है मैम जी. मैम शिफ्ट मतलब कि अगर हमारा ग्राफ शिफ्ट टू द राइट होगा, इसका मतलब ये है कि हम लंग्स की तरफ मतलब हमारा पॉइंट जा रहा है, मतलब ये कि ऑक्सीजन रिलीज हो रही है. और मैम ऑक्सीजन रिलीज हो रही है यानी जब हम हमारी ऑक्सीजन बिल्कुल हेमोग्लोबिन के साथ खत्म हो जाती है, यानी वो टिश्यू से वेन के जरिए जा रहा होता है वहाँ लंग्स में. मैम उस वक्त उसकी ऑक्सीजन की एफिशिएंसी ज्यादा नहीं हो जाती, कल वो जो एक एरो में हमने पढ़ा था. जब लंग्स की तरफ जाएगा तो एफिनिटी आप कहते हैं ज्यादा हो जाएगी मैम ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि वहाँ तो ऑक्सीजन से इसने बाइंड करना है. ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा, वो जो हमने एरो पढ़ा था ना उसका ये मतलब था कि जब एक ऑक्सीजन बाइंड करती है तो वो बाकी ऑक्सीजन को इजीली बाइंड करने देती है. ठीक है, तो बाइंडिंग ऑफ वन ऑक्सीजन इट विल इंक्रीज द एफिनिटी फॉर अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये वो एरो का ये मतलब था. ठीक है, राइट शिफ्ट का ये मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा लंग्स की तरफ चला जाएगा. राइट शिफ्ट का ये मतलब है कि जो ग्राफ की लाइन है वो थोड़ा सा जो है जो ऑक्सीजन का प्रेशर है अभी वो इतना ज्यादा कम नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन डिलीवर करना शुरू कर देगा, यानी एफिनिटी कम हो जाएगी. अगर आप उस ग्राफ में देखें तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है. ठीक है, अगर ग्राफ राइट शिफ्ट पे हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि पार्शियल प्रेशर इतना ज्यादा कम नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, इसका मतलब है उसकी ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाएगी. ठीक है, अगर ग्राफ लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहा है इसका मतलब है कि वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करता, ऑक्सीजन को टाइटली बाइंड रखता है, तो उसकी एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी. समझ आती है फाइजा? यस मैम. अच्छा जी, 2,3-bisphosphoglycerate आप लोगों ने मुझे कल बताया था कि कहाँ होता है, हो गया फिजियोलॉजी का टेस्ट या होना है अभी? हो गया कब होना है? 2:00 होना है. चलो कोई बात नहीं. अच्छा मुझे ये बताओ कि 2,3-bisphosphoglycerate कल आपने मुझे बताया था कि कहाँ से आता है, तो मुझे दोबारा बताएंगे कहाँ से आता है? ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, it is the product from which comes from glycolysis. ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस के साइड पे प्रोड्यूस हो रहा होता है 2,3-bisphosphoglycerate. ये बहुत जरूरी और सिर्फ RBCs के अंदर प्रोड्यूस होता है, बाकी किसी ग्लाइकोलाइसिस तो हर सेल में हो रहा है ना, बट हर सेल में 2,3-bisphosphoglycerate प्रोड्यूस नहीं होता, इट इज ओनली प्रोड्यूस्ड इन RBCs. ठीक है, नॉर्मली जो है 2,3-bisphosphoglycerate प्रोड्यूस होता है 5 millimoles जो हमारे नॉर्मल ब्लड में इसकी कंसेंट्रेशन है. ठीक है, कुछ कंडीशंस में इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है हमारे ब्लड में. ठीक है, और कुछ कंडीशंस में ये भी हो सकता है कि 2,3-bisphosphoglycerate हमारे ब्लड में ना हो. ठीक है, 2,3-bisphosphoglycerate का काम क्या है? इट विल बाइंड टू हीमोग्लोबिन. वेयर इट विल बाइंड? पॉजिटिव चार्ज. जी मैं तो सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस पे. Positive charges. Okay, from this diagram you can see that 2,3-bisphosphoglycerate is a negatively charged molecule, and this green color molecule, it will bind in the pocket between two beta chains. ठीक है, और ये दोनों beta chains के जो outer side के ऊपर there are positively charged amino acids. ठीक है, वो positively charged amino acids valine, lysine और histidine होते हैं. ठीक, इन पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड की वजह से ये यहाँ पर आकर बाइंड कर जाता है. ठीक है, यहाँ पर इतनी स्पेस बन जाती है. जब ये 2,3-bisphosphoglycerate बाइंड करता है तो ये ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम कर देता है और ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. ठीक, व्हेन द ऑक्सीजन इज रिलीज्ड द ग्राफ इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. ठीक है, राइट की तरफ शिफ्ट करता है. इफ वी टेक आउट ऑल ऑफ द 2,3-bisphosphoglycerate फ्रॉम द ब्लड, यानी उसमें नहीं होगा 2,3-bisphosphoglycerate, तो फिर हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा हो जाएगी एंड ऑक्सीजन इट विल नॉट बी रिलीज्ड, तो फिर हीमोग्लोबिन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी. डू यू गेट दिस पॉइंट और नॉट?
मैम फंक्शन दोबारा बता दे कैसे नहीं करेगी। यस मैम रिपीट कर दे। ओके 2-3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट का काम क्या है कि ये जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करा देती है, ठीक है, अफिनिटी को कम कर देती है, ऑक्सीजन इज ऑफ लोडेड फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर 2-3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट हमारे आरबीसीज में नहीं होगी तो फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर सकेगी, ठीक है, प्रॉपरली हीमोग्लोबिन इट विल नॉट डिलीवर ऑक्सीजन। अगर हीमोग्लोबिन डिलीवर ऑक्सीजन नहीं कर सकेगी तो फिर क्या होगा, जो फंक्शन है हीमोग्लोबिन का वो तो ख़त्म हो गया ना, हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन डिलीवर करना है, ठीक है, तो फिर हाइपोक्सिया हो जाएगा, ठीक है, या वो वाली कंसंट्रेशन 5 mol रहेगी 2-3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट की, तो हीमोग्लोबिन अपना नॉर्मल फंक्शन करेगी, नॉर्मल करेगी, और अगर ज्यादा हो जाए तो वो उसके साथ बाइंड कर देगी, ऑक्सीजन की डिलीवरी को इजी कर देगी, ठीक है, जल्दी ऑक्सीजन को डिलीवर करा देगी, कम प्रेशर पे रिलीज करना शुरू कर देगी ऑक्सीजन को। अगर 2-3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो वो ऑक्सीजन को जल्दी डिलीवर करा देगी, ठीक है, ये देखो कम प्रेशर पर ही, यानी अभी 40 के अराउंड है तो ये रिलीज कराने शुरू कर दिया है, ठीक है मैम, और अगर नहीं होगी तो वो रिलीज ही नहीं करवाएगी, रिलीज नहीं करवाएगी, हमें सब ग्राफ हम लोग का लेफ्ट साइड पे हो जाएगा अगर रिलीज नहीं कराएगी 2-3 जी नो 2-3 बिस्फोस्फेट, हां जी इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, ये आपको ब्लैक लाइन से पता चल रहा होगा, यही ये जो है लिपिनकॉट की डायग्राम है, ठीक है। और अगर इसलिए जो मैंने आपको बताया पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं, अगर इनमें से कुछ पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड किसी म्यूटेशन की वजह से ना हो और दे आर रिप्लेस्ड बाय द नेगेटिवली चार्ज और द अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड्स तो फिर भी 2-3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट की बाइंडिंग अफेक्ट होगी, ठीक है, और ऑक्सीजन की डिलीवरी भी अफेक्ट होगी, ठीक है। अच्छा जी अब मैंने आपको ये बता, जी जी मैम अगर ग्राफ एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर जाता है तब टिश्यू हाइपोक्सिया होगा ना, जी। अच्छा अब ये है कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिसके अंदर योर बॉडी इट अडैप्ट्स द चेंजेस, ठीक है। अब जो 2-3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट है ये आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है इन सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को जो लंग डिजीजेस होती हैं जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, एम्फिसीमा है जो लंग की डिजीज है, ठीक है, तो वो लोग तो पहले ही कॉम्प्रोमाइज हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन डिलीवरी पहले ही कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है। या अगर हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, जो लोग रहते ही पहाड़ों के ऊपर हैं, ठीक, उनके अंदर भी प्रेशर्स जो है वो ऑक्सीजन के उस तरह नहीं होते, तो उनके अंदर फिर क्या होता है, द लेवल ऑफ 2-3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट दे आर एलिवेटेड, ठीक है। 2-3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट नेचुरली उनके अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। जब ज्यादा 2-3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट होगा, आपको ये पिछले ग्राफ में भी पता चल रहा होगा दैट द ब्लड हु लिव एट हाई एटीट्यूड, जो लोग हाई एटीट्यूड एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, ठीक है, या जिनको कोई लंग डिजीज है उनके अंदर नेचुरली द लेवल ऑफ 2-3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट इट राइजेस, बिकॉज White rises. Oxygen release करवाने के लिए. Oxygen के level जो है वो ताकि easily oxygen को release कराए, ठीक है। आप देखें जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं थोड़े से उनके रंग लाल लाल होते हैं, ऐसे होता है, reddish reddish complexion होता है, yes ma'am, ठीक है, क्यों होता है reddish complexion, because naturally अब वहां पर ऑक्सीजन के प्रेशर्स उस तरह जो है नहीं है, तो ड्यू टू एट द हाई एल्टीट्यूड तो उनके अंदर द नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इज इंक्रीज, आरबीसीज का नंबर बढ़ जाता है, जब आरबीसी ज्यादा होगा तो फिर इंटर्न हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होगी, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन भी उनके अंदर हमसे ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, और हमसे ज्यादा 2-3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट होता है ताकि ऑक्सीजन को इजिली रिलीज करा सके जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनके लिए, ठीक है। आप फिजियोलॉजी में भी पढ़ेंगे, हाँ, जब आप हाई एल्टीट्यूड्स की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक और कंडीशन है ट्रांसफ्यूज ब्लड, ठीक है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज होना होता है उसको लेकर बैग्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ऐसे ही है, एक बंदे से ब्लड लेते हैं, ब्लड लेके ब्लड बैग के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब उसको प्रिजर्व करने के लिए ब्लड बैग के अंदर प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं,
ठीक है, पहले जो ब्लड बैग के अंदर प्रिजर्वेटिव थे वो था द स्टोरिंग मीडियम वाज एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, ठीक है, काफी जो है यूज होता था ये मीडियम एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। इससे क्या होता था कि 2,3-bisphosphor जो स्टोर्ड ब्लड होता था उसमें द लेवल ऑफ 2,3-bisphosphoglycerate इट डिक्रीज्ड, ठीक है, कम हो जाता था। ठीक, जब 2,3-bisphosphoglycerate कम हो जाता था और ऐसा स्टोर्ड ब्लड आप पेशेंट को लगा दें तो फिर क्योंकि उसमें 2,3 और उसको वापस जब पेशेंट को लगाएं तो उसमें दोबारा से ग्लाइकोलिसिस शुरू होगी, फिर 2,3-bisphosphoglycerate का लेवल बढ़ेगा, तो उसमें से 3-4 घंटे लग जाते थे। ठीक है, अब ऐसे पेशेंट्स जिनको इमरजेंसी है और उनको फौरी तौर पे ब्लड चाहिए या ब्लड में हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन डिलीवर करना, तो फिर वो ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर सकता बिकॉज इट इज डिप्राइव्ड ऑफ 2,3-bisphosphoglycerate, तो फिर इस तरह के स्टोर्ड ब्लड का फायदा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 2,3-bisphosphoglycerate इट इज ट्रैप्ड, ठीक है, व्हेन इट इज ट्रैप्ड तो फिर इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो रही, ऑक्सीजन इट इज ट्रैप्ड विद द हीमोग्लोबिन। इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब जो स्टोर्ड ब्लड होता है उसके अंदर ऐड कर देते हैं इनोसिन, ठीक है, इनोसिन इज अ सब्सटेंस, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है एंड इट कंटेन्स हाइपोसेंथीन एंड राइबोस। राइबोस क्या है, राइबोस इज अ पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर, ठीक है, ये इनोसिन ब्लड में या उस बैग में ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब पेशेंट को ये लगाते हैं ब्लड देन इनोसिन इट विल एंटर द रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर होके इनोसिन अपना राइबोस निकाल देता है। ठीक है, दिस राइबोस इट विल एंटर एचएमपी शंट के अंदर जाके दिस राइबोस इट इज कन्वर्टेड, वहां से पे ये ग्लाइकोलिसिस में चला जाता है। ठीक है, एंड इट इज कन्वर्टेड टू 2,3-bisphosphoglycerate, और ये सब कुछ ये नहीं है कि बड़ी देर लगा के होता है, ये जल्दी जल्दी हो जाता है। तो फिर 2,3-bisphosphoglycerate बिकम अवेलेबल और फिर ये जो ब्लड है पेशेंट को अगर ये वाला ब्लड लगाएं तो ये इजीली इसमें इट कैन डिलीवर ऑक्सीजन। हाँ जी मैम, एचएमपी शंट क्या है? एचएमपी शंट ना ये एक पाथवे है, ठीक, जिसके अंदर जो पेंटोसेस हैं इस पाथवे के थ्रू पेंटोसेस और 7-carbon sugars 8-carbon sugars दे कैन एंटर ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई सारी? यस मैम। फाइजा के अलावा बाकी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा जी। आप जिससे पहले आपने इनोसिन से पहले वाला बताया था जो बैग में होता है, तो उसका क्या मतलब इफेक्ट होता है, उसका दोबारा आप बता दें इफेक्ट किस तरह से उसको यूज नहीं करते? वो जो है मीडियम वो 2,3-bisphosphoglycerate के लेवल को कम कर देता है। ठीक है, जब ब्लड में 2,3-bisphosphoglycerate कम हो जाएगा और ऐसा ब्लड पेशेंट को लगाएंगे तो फिर वो जो है ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर सकेगा ऐसा ब्लड। ठीक है, तो अगर पेशेंट को और उसको दोबारा 2,3-bisphosphoglycerate के लेवल को रिस्टोर होने में कुछ घंटे लग जाते हैं, तो इसकी वजह से फिर इस तरह के ब्लड का पेशेंट्स को फायदा नहीं होता जल्दी, जिनको फौरी तौर पर ऑक्सीजन चाहिए जो इमरजेंसी में होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हम नेक्स्ट एलोस्टेरिक फैक्टर करते हैं। अभी तक हमने किया एलोस्टेरिक फैक्टर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन 2,3-bisphosphoglycerate, अब हम करें कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली जो है गैस की फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती, इन द फॉर्म ऑफ CO2 ट्रेवल नहीं करती है। ठीक है, ज्यादातर या मोस्ट ऑफ इट इट बिकम्स हाइड्रेटेड। हाउ इट बिकम्स हाइड्रेटेड, इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड इट बिकम्स carbon dioxide reacts with water and it becomes carbonic acid. And this carbonic acid it will spontaneously be broken down into bicarbonate and hydrogen ion. This bicarbonate it is the hydrated form of carbon dioxide. ठीक है, तो 85% of the carbon dioxide it travels in this hydrated form. ठीक है, और ये फिर आपके हीमोग्लोबिन के साथ साथ ट्रेवल करता है, साथ साथ उसके ये प्रोटॉन बाइंड कर जाता है
आपके हीमोग्लोबिन के साथ एंड दिस बाइकार्बोनेट इट ट्रेवल्स अलॉन्ग विद इट, उसके साथ साथ ट्रेवल कर. सिर्फ और सिर्फ 15% जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो एज सच अटैच हो जाता है विद द विद वन ऑफ द अमाइनो ग्रुप ऑफ, एक साइड चेन पे अमाइनो ग्रुप लगा होता है ठीक है, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम्स अटैच्ड ठीक है. तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हमें ये अमाइनो ग्रुप पर, ये जो अमाइनो ग्रुप है ये अमाइनो एसिड के ये हीमोग्लोबिन के साथ है, अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप है अमाइनो एसिड के पास. अब जोन को जोन से देयर आर सम अमाइनो एसिड्स व्हिच हैव एन एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप ठीक है, तो ये उस साइड चेन के साथ अटैच होता है ठीक है. अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर डायरेक्टली अटैच हो विद हीमोग्लोबिन तो फिर इट इज कॉल्ड एज अ कार्बोनेट ठीक है, और कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बिकॉज दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट इज बीइंग अटैच्ड विद द अमाइनो ग्रुप. और ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो ग्रुप है इट इज कन्वर्टेड टू अ नेगेटिव चार्ज ठीक है. द पॉजिटिव अगर कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली एज सच अटैच हो जाए अमाइनो ग्रुप के साथ साइड चेन ऑफ एनी अमाइनो एसिड तो फिर ये इस अमाइनो ग्रुप के पॉजिटिव चार्ज को कन्वर्ट करा देता है इनटू द नेगेटिव चार्ज ठीक है, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से फिर कौन सा बॉन्ड बन सकता है. आयनिक बॉन्ड बनेगा ठीक है, और इस आयनिक बॉन्ड बनने की वजह से देन ऑक्सीजन इट विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन. मैम एच भी लग सकता है दोबारा फिर OH C double O negative में O के साथ H. H ही लग सकता है, ये आयनिक बॉन्ड बनाने ना इसलिए किसी भी positively charged molecule के साथ एक आयनिक बॉन्ड बना देगा. जी मैम ओके. ठीक है. अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है. मिस इसको रिपीट कर दें. ठीक है इतना ज़्यादा बाइंड करेगा जब वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो इसने ऑक्सीजन को रिलीज करा देना है. ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म्स में अटैच हो सकता है, आइदर इन द हाइड्रेटेड फॉर्म एंड द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्बोनिक बाइकार्बोनेट ठीक है, और इट कैन बी अटैच्ड एज सच इन द फॉर्म ऑफ सी डबल ओ सी ओ ओ भी अटैच हो सकता है. ठीक है जो सी ओ ओ है ये कम क्वांटिटी में अटैच होता है, जब सी ओ ओ अटैच होता है तो ये अटैच कहाँ होता है, ये वहां अटैच नहीं होता जहां ऑक्सीजन की बाइंडिंग की जगह है. ठीक है हीम के साथ अटैच नहीं होता. ठीक है ये मैं आपको इधर एक डायग्राम भी पिछले दिखाई थी कल जिसके अंदर ये था, दोबारा दिखा देती हूँ ये. ठीक है आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे एक अमाइनो ग्रुप है ठीक है, उसके साथ सी ओ ओ अटैच हो रहा है. ठीक है ऑक्सीजन तो हीम के साथ अटैच होता है ना, ये हीम के साथ अटैच नहीं होता. ठीक है इट विल अटैच टू द अमाइनो ग्रुप ऑफ सम साइड चेन, उसके साथ COO अटैच होता है और जब ये अटैच होता है तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करा देता है. ठीक है ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. ओके मैम ये ऑक्सीजन को रिलीज करवा देगा और खुद के हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर लंग्स की तरफ चला जाएगा रिलीज के लिए. खुद ये जो है लंग्स की तरफ चला जाएगा, लंग्स के अंदर जब ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है तो वहां पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन इट बिकम्स अटैच्ड विद हीमोग्लोबिन. ठीक है मैं आपको अभी ये वाला इस डायग्राम से समझाती हूँ. ठीक है यहाँ पर ये देखो ये है, ये क्या लिखा हुआ है, ये जहाँ मेरा एरो है पेरिफेरल टिश्यू, पेरिफेरल टिश्यूज, टिश्यूज के अंदर हो रहा है मेटाबॉलिज्म. ठीक है मेटाबॉलिज्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड. ठीक है most of 85% of this carbon dioxide it will react with water to form carbonic acid. Carbonic acid jo hai it is then broken down into bicarbonate and proton. Theek hai isme se jo proton hai it becomes attached with hemoglobin. For one proton attached how many oxygens are released? Two. Jab do protons attach honge to iska matlab char oxygen molecule tissues pe release ho jayenge. Theek hai अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी सेम इफेक्ट है तो ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट राइट 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 साइड राइट साइड
ठीक है। अब ये जब प्रोटॉन अटैच हो गया तो ये बाइकार्बोनेट इसके साथ साथ ऐसे ट्रेवल करते हैं, ये वाला हीमोग्लोबिन या जब डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी अटैच हो जाता है तो वो हीमोग्लोबिन इट विल गो टू द लंग्स। लंग्स के अंदर जाके क्या होता है, वहां पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी काफी ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है। द ऑक्सीजन इट विल रिप्लेस दीस प्रोटॉन्स और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये प्रोटॉन्स बाहर निकल जाएंगे एंड द हीमोग्लोबिन इट बिकम्स ऑक्सीजनेटेड एट द लेवल ऑफ लंग्स, ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन निकले हैं दे विल रिएक्ट विद द बाइकार्बोनेट, ठीक है, and it becomes carbonic acid it will be broken down into carbon dioxide and water and carbon dioxide it is exhaled, hum apne saans ke through bahar nikal dete hain carbon dioxide ko, theek hai, is it clear? Yes. Okay, now we'll come to the other factor, ek aur allosteric factor hai which is called as carbon monoxide. शुरू में मैंने आपको बताया था what is the effect of carbon monoxide. किसी को याद है? मैम ये ऑक्सीजन से ज़्यादा फिनिटी रखता है बाइंड करने के हीमोग्लोबिन के साथ। ऐसे देखिए नीचे होते हैं पीएच डिक्रीज होते हैं और उसकी वजह से वो बोर इफेक्ट वाली। नहीं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। वैसे एफिनिटी एफिनिटी को ऐड कर देगा, इंक्रीज कर देगा ऑक्सीजन की एफिनिटी को। ओके, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जब एक मॉलिक्यूल बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, तो ये जो बाकी तीन जगहों के ऊपर ऑक्सीजन लगा होता है ना उसको ज्यादा एफिनिटी के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करवा देता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्राफ को शिफ्ट कर देता है टुवर्ड्स, जैसे मायोग्लोबिन का ग्राफ होता है उस तरह फ्रॉम सिग्मॉइडल शेप द ग्राफ इट्स कन्वर्टेड टू हाइपरबोला, ठीक है। जब अफिनिटी ज्यादा हो जाएगी तो इसका क्या मतलब है, ऑक्सीजन इट विल नॉट बी ऑक्सीजन बाइंड रहे बाइंड रहे ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसकी वजह से टॉक्सिसिटी होती है, हाइपोक्सिया हो जाता है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी ज्यादा अफिनिटी के साथ बाइंड करता है दैट इट बाइंड्स विद 220 टाइम्स मोर अफिनिटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो अगर थोड़ा सा भी आप एक्सपोज हो जाएं कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए के साथ तो ये फिर जो है इट कैन कॉज टॉक्सिसिटी, ठीक है, इट कैन कॉज टॉक्सिक इफेक्ट अगर एनवायरनमेंट में आपका थोड़ा सा भी कार्बन मोनोऑक्साइड हो, जिस तरह ये लोग जो सिगरेट वगैरह पीते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है, इनके इनको सांस लेने में इशू होता है बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इट कैन बाइंड टू द इट विल बाइंड टू द हीमोग्लोबिन, ठीक है। और अगर ज्यादा कंसेंट्रेशन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाए तो फिर ये ऑक्सीजन को रिलीज नहीं कराता फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ठीक है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करता है दैट हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज कार्बन मोनोक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये अगर आप ग्राफ देखें तो ये सिग्मॉइड शेप है जो ब्लैक कलर में आपको शो हो रहा है जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं किया है, ठीक है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन सॉरी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है देन द शेप ऑफ द ग्राफ इज हाइपरबोलिक, इस तरफ को शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द लेफ्ट, द ग्राफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट जो कि ऑक्सीजन की एफिनिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक और तरह से भी पॉइजनिंग करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है हमारे सेल्स के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जिससे एटीपी बनता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, आप लोगों को कुछ आइडिया है ना? ये इसके कॉम्प्लेक्स 4 को भी इनहिबिट कर देता है, ठीक है। आप सेकेंड ईयर के अंदर इसको ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इट इनहिबिट्स कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो दो तरह से ये टॉक्सिसिटी कॉज करता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इज दैट आप हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी इज द ट्रीटमेंट, ठीक है। आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है वो ये देते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। यू विल सप्लाई 100% ऑक्सीजन विद हाई प्रेशर, ठीक है। जब इतनी ज्यादा ऑक्सीजन पेशेंट के अंदर जाएगी, ठीक है, तो ड्यू टू कॉम्पिटिशन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में कॉम्पिटिशन हो जाएगा, more there is more oxygen available to oxygen jo hai wo carbon monoxide ko bahar nikal degi aur khud uski jagah jaake attach ho jayegi, theek hai, kyunki carbon monoxide zyada affinity ke sath bind karti hai isliye usko jo hai carbon monoxide ko nikalne ke liye
we need more oxygen. ठीक है, the oxygen in more quantity and with high pressure, and it is called as hyperbaric oxygen. समझ आ रही है ये बात की नहीं आ रही? Yes ma'am. बाकी बच्चे? Yes ma'am. ठीक है, last factor रह गया है, ठीक है, और ये last factor जो है ये इस तरह से allosteric factor नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है hemoglobin के साथ bind होके ना transport होता है. ठीक है, एंड दैट लास्ट फैक्टर इज नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ गैस. ठीक है, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है. इसका काम क्या होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का? इट इज अ वेजो डायलेटर. ठीक है, जब आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए किसी वजह से, जब ब्लड प्रेशर वगैरह हाई होता है, देन नाइट्रिक ऑक्साइड इट इज रिलीज, जो आपके स्मूथ मसल्स को भी रिलैक्स करता है और आपकी वेसल्स को भी डायलेट कर देता है. ठीक है, आप जो एक गोली होती है एंजिसिट के नाम से आती है, जो जुबान के नीचे रखते हैं जिन पेशेंट्स को एंजाइना का इशू होता है, उसमें भी क्या स्लोली स्लोली रिलीज होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन. और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है फिर ये वेसल्स को डायलेट करता है, ब्लड प्रेशर को लोअर करता है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है. ठीक है, इट इज सॉरी हीमोग्लोबिन है इसके ट्रेवल, इसको ट्रेवल कराता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है हीमोग्लोबिन. इट कैरीज नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया मैम? जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ लगी होगी तो फिर नाइट्रिक एसिड को वो कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा? उसकी बाइंडिंग साइट अलग है हीमोग्लोबिन के मल्टीपल. हाँ, इसके जो है मल्टीपल फंक्शंस हैं. खाली ऑक्सीजन को ट्रेवल नहीं कराता ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रेवल कराता है, ये प्रोटॉन्स को भी ट्रेवल कराता है, इट एक्ट्स एज अ बफर. ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को भी ट्रेवल कराता है. तो हीमोग्लोबिन इट हैज मल्टीपल रोल्स टू प्ले, मगर मेजर रोल इसका ऑक्सीजन डिलीवरी है. ठीक है, अब जो चीज मैं आपको कराने लगी हूँ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, ये जो एक टेबल है ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना है. ठीक है, पिछली क्लास को मैंने कहा था कि एक सवाल दो दिए थे उनको मैंने असाइनमेंट में कि मुझे आज ही करके दे दो, भेज देना. ठीक है, उस क्लास के साथ मेरा कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था, बिकॉज वो जो सवाल मैं देती हूँ आप लोग असाइनमेंट में वो एक दूसरे की कॉपी करके तो भेज देते हैं, तो उससे लर्निंग तो उस तरह नहीं होती है. तो आई वॉन्ट कि लर्निंग हो. ठीक है, मुझे अब ये बताएं कि क्या तरीका हो सकता है कि ये मैं मुझे आपको ये टेबल याद कराना है, पूरी क्लास को याद कराना है. तरीका बताएं किस तरह से आप याद करेंगे और सब के सब मुझे सुनाएंगे या मुझे लिख के भेजेंगे? मैम कल आपको सुना देंगे. ये थोड़ा सा हमने टेबल पहले किया हुआ है. मैम ये हमने फिजियो के लेक्चर में पढ़ा हुआ है. जी मैम, ये फिजियो में किया है पूरा टेबल. ये टेबल आपको बायोकेमिस्ट्री के अगर आप पास्ट पेपर्स देखें, मुझे आपको इसलिए याद कराना है कि किसी ना किसी फॉर्म में आए, आधे नंबर में, एक नंबर में, डेढ़ नंबर में ये टेबल आ जाता है. ठीक है, तो इसीलिए फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग इसको याद कर लें. व्हाट डज दिस टेबल शोस? Different types of hemoglobin, different ages, percentage. ठीक है, अब ये आपको टेबल पूरी क्लास को अच्छी तरह याद करना है. मंडे को मैं जिससे पूछूं उसको आना चाहिए. ठीक है, जो सो रहे हैं, जो क्लास में नहीं अटेंटिव हैं, उन सबको भी कह दें कि ये वाला टेबल मैंने मंडे को सुनना है जिससे भी मर्जी, और जो मुझे नहीं सुनाएगा वो क्लास से बाहर होगा. Zoom में ये फायदा है, आप Google Classroom में आप बच्चे को क्लास से बाहर नहीं निकाल सकते, ये निकाल भी दें तो वो आ जाते हैं बच्चे. यहाँ पे मैं एक दफा निकालूंगी तो आप आ नहीं सकेंगे, और मंडे को क्लास भी हमारी लंबी है. ठीक है, तो ये टेबल करके आना है मंडे को हर हाल में. ओके, अब हीमोग्लोबिन जो है इसकी हमने कौन सी टाइप पढ़ी है? अभी जो हमारे पास मेजर टाइप है इट इज हीमोग्लोबिन ए. ठीक है,
हीमोग्लोबिन ए जो है इसके पास दो अल्फा चेन्स होती हैं, दो बीटा चेन्स होती हैं, और हमारे अंदर 90% जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन ए होती है. ए स्टैंड्स फॉर एडल्ट्स, ठीक है, हीमोग्लोबिन ए है. अब इसके अलावा खाली यही नहीं है हमारे अंदर, हमारे अंदर और भी टाइप की हीमोग्लोबिन है, ठीक है. उन सब हीमोग्लोबिन के अंदर अल्फा चेन इज द कॉमन वन, ठीक है. बीटा चेन्स दे आर डिफरेंट, दे आर बीटा लाइक चेन्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन एफ, हीमोग्लोबिन एफ इज ऑल्सो नोन एज, अगर आपने पहले पढ़ा है तो फीटल हीमोग्लोबिन. इट कंटेन्स टू अल्फा चेन्स, टू गामा चेन्स, ठीक है. These gamma chains belong to the family of beta chains. Beta chain की family से belong करता है, ठीक है. और हमारे अंदर adults में होता है, ठीक है. मैं वाइवा में जो है, अगर कोई मुझसे कहे तो मैं सवाल करती हूँ that fetal hemoglobin जो है ये हमारे अंदर होता है या नहीं होता, और वो कहते हैं, बच्चे अक्सर कह रहे होते हैं no fetal hemoglobin हमारे अंदर नहीं होता. Fetal hemoglobin हमारे अंदर होता है, ठीक है, 1-2% होता है. और कुछ conditions के अंदर, कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जिसके अंदर फीटल हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है. सिकल सेल डिजीज है जिस तरह, उसमें फीटल हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है. फीटल हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर, जी जी बेटा, थैलेसीमिया में भी ज्यादा होती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है. फीटल हीमोग्लोबिन ज्यादा क्यों हो जाती है, चलो वो हम जब पढ़ेंगे फिर करेंगे. फीटल हीमोग्लोबिन जो है ये, इट इज प्रेजेंट इन द सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज एफ सेल्स, ठीक है. एक और टाइप ऑफ माइनर हीमोग्लोबिन है, और वो दैट इज एच बी ए टू, ठीक है. इसके अंदर दो अल्फा चेन्स हैं और बीटा की जगह दो डेल्टा चेन्स हैं. दीज डेल्टा चेन्स बिलोंग टू द बीटा ग्लोबिन फैमिली, तो अल्फा टू डेल्टा टू, ठीक है. और ये भी 2-5% हमारे एडल्ट्स के अंदर होता है, ठीक है. इसके अलावा एक और टाइप का हीमोग्लोबिन है विच इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, एंड दैट इज known as HbA1c, ठीक है. इसकी डिटेल अभी मैं आपको कराती हूँ. ये भी 3-9% होता है. इट इज सिमिलर टू एच बी ए, ठीक है. जो हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसी में सम ऑफ द सम परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इट बिकम्स ग्लाइकोसिलेटेड, उसके साथ ग्लूकोज आके अटैच होता है ऑन द टर्मिनल वेलिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है. इसकी मैं अभी आपको आगे जाकर डायग्राम भी दिखा देती हूँ, और फिर ये और इसकी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस भी बताती हूँ. एच बी ए वन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है. एच बी ए वन सी की सिग्निफिकेंस आ जाती है, ठीक है. इसकी कॉम्पोजिशन सिग्निफिकेंस ये आपको सवाल के अंदर आ सकती है, ठीक है. अब फीटल हीमोग्लोबिन मैंने आपको बता दिया, इसकी इसके बारे में कुछ थोड़ी सी बातें मैंने आपको बतानी है अभी आगे, ठीक है. फीटल हीमोग्लोबिन इट इज सॉरी इट इज मेड अप ऑफ टू अल्फा चेन्स एंड टू गामा चेन्स, ठीक है. अब ये वाली डायग्राम है, एक ग्राफ, ठीक है, जिसको आप सब गौर से देखेंगे, जिसके अंदर आपको हमने सॉरी ये बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन किस स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर बनना शुरू होता है, ठीक है. आर यू ऑल विद मी और नॉट, सोए तो नहीं हो, ऐसा उठा हुआ है बाकी. यस मैम. Yes, ma'am. Ma'am, I do have a request, ma'am. What? Ma'am, आप आज का हमें 1 o'clock free कर देंगे, क्योंकि ma'am viva हमारा 2 o'clock है, तो हम लोग slides ही go through कर लेंगे physiology. मैं क्यों physio का test भी दे दिया, मैं तो नहीं छोड़ी. मुझे अपना ये topic खत्म कराना है बेटा. मैं मंडे को एक्स्ट्रा टाइम होगा हमारे पास, उसमें कवर कर लेंगे. मंडे को कौन सा एक्स्ट्रा टाइम है हमारे पास? हम सिर्फ दो लेक्चर्स हैं. तो अभी तो मेरे इतना सारा रहता है ये. मैम हो जाएगा कवर? नहीं होएगा कवर बेटा, बहुत ज्यादा रहता है. अभी मैंने हीमोग्लोबिनोपैथीज कराना है, फिर मैंने हीम की सिंथेसिस कराना है, फिर मैंने पोर्फायरियस कराना है, फिर मैंने हीम की डिग्रेडेशन कराना है, फिर मैंने जॉन्डिस कराने हैं. तो ये मुझे मेरे पास बहुत ज्यादा चीज है, ठीक है. इसीलिए आप चुप करके अच्छे बच्चों की तरह पढ़े, ठीक है. फिजियो का खाली एग्जाम नहीं देना. फिजियो वाले आपके आपको कभी छोड़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट में जल्दी? यस मैम. मैम वो हर टेस्ट में छोड़ देते हैं. यस मैम. हर टेस्ट में छोड़ देते हैं. हवा एक छोड़ते हैं ना,
एक बजे कोई नहीं छोड़ सकता, आई कैन नॉट स्पेयर हाफ एन आवर, 10 मिनट पहले छोड़ता हूँ. अच्छा जी, वाइवा तो आप देने जाते नहीं है, वाइवा में तो अपीयर ही नहीं होती क्लास आपकी. मैंने कंप्लीट होते हैं 10 मार्क्स का वाइवा में अपीयर होते हैं, हम अपीयर होते हैं, होते हैं. अच्छा चलो ठीक है. अच्छा जी, सो विल कम टू दीस ग्राफ्स. पैथिस भी आज आपने करानी है क्या? मैंने करानी आज हीमोग्लोबिन पैथिस आज ही करानी है. जितनी हो जाएंगी करा दूंगी, जो बच जाएंगी मंडे को कर लेंगे. ठीक ओके जी, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस जो है ना हमारी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में, ठीक है, हमारी लाइफ शुरू हो जाती है व्हेन वी आर द फीटस. ठीक है, तो जैसे कंसेप्शन होती है, ठीक है, और उस वक्त ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, प्रेगनेंसी के फर्स्ट 5 वीक्स के अंदर सबसे पहले जो हीमोग्लोबिन बनता है, इट इज नोन एज हीमोग्लोबिन गोवर 1. ठीक है, दिस हीमोग्लोबिन इट डज नॉट कंटेन अल्फा चेन्स, बल्कि अल्फा की जैसी चेन्स होती हैं विच आर नोन एज जीटा चेन्स. ठीक है, और बीटा नहीं होती बल्कि बीटा लाइक एप्सिलॉन चेन्स होती है. सो एच बी गोवर 1 इट इज कम्पोज्ड ऑफ 2 zeta and 2 epsilon चेन्स. ठीक है, ये पहले 5 हफ्ते के अंदर बनता है और ये सिंथेसिस होती है इन द एम्ब्रियोनिक सैक. ठीक, आफ्टर 5 वीक ऑफ जेस्टेशन आपकी अल्फा चेन बननी शुरू हो जाती है. ठीक है, ये आप देखें, शुरू में ये बन रही थी जीटा चेन्स और ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जा रही है, अगर आप मेरा एरो देख सकते हैं, और अल्फा चेन्स बननी शुरू हो जाती है, जो ब्लू लाइन है, और अल्फा चेन फिर सारी जिंदगी बनती रहती है, बिकॉज अल्फा चेन्स दे आर पार्ट ऑफ एवरी टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, हर हीमोग्लोबिन की टाइप में अल्फा चेन होती है, तो अल्फा चेन जो है वो फिर पूरी जिंदगी हमारे बनती रहती है. ठीक है, बीटा चेन के लिए देयर इज सम डिफरेंट थिंग. सबसे पहले तो बनती है एप्सिलॉन चेन, 5th वीक के बाद जो है इसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है. ठीक है, और हमारे पास बननी शुरू हो जाती है कौन सी चेन, कौन सी होती है फीटल हीमोग्लोबिन में? गैमा चेन बननी शुरू हो जाती है. ठीक है, और ये फिर बनती रहती है, और जब 8th मंथ होता है तो इसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है. ठीक है, और आफ्टर बर्थ भी हमारे ये थोड़ी थोड़ी बनती है. ठीक है, बर्थ के बाद भी हमारी, जब हम एडल्ट भी हो जाते हैं, तो हमारे अंदर फीटल हीमोग्लोबिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनती रहती है. ठीक है, जब 8th मंथ होता है उस वक्त बीटा चेन्स बननी शुरू हो जाती है, ये रेड लाइन. ठीक है, दीज बीटा चेन्स दे आर स्टार्ट टू बी सिंथेसाइज्ड, और बीटा चेन्स फिर सारी जिंदगी हमारे बनती रहती हैं. ठीक है, बीटा के अलावा वी ऑल्सो हैव द डेल्टा चेन्स जो कि एच बी ए टू का पार्ट है, और ये भी हमारी सारी लाइफ में थ्रू आउट आवर होल लाइफ थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में बनती रहती हैं. ठीक है, ये समझ आ गई सारी बात? मैम, जो डेल्टा है वो हमारी बर्थ के बाद स्टार्ट होती है बनना. हाँ जी, एट बर्थ या समवट बिफोर बर्थ आप कह सकते हैं, बर्थ पे शुरू होती है डेल्टा चेन्स. ठीक है, ये बात समझ आती है किस वक्त क्या सिंथेसिस शुरू होती है? शुरू में आपको मैंने बताया जो गोवर हीमोग्लोबिन है ये बनती है एम्ब्रियोनिक सैक के अंदर, उसके बाद जो साइट ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस है इट इज शिफ्टेड टू द लिवर, जब तक पूरी बोन मैरो डेवलप नहीं हो जाती. जब बोन मैरो डेवलप हो जाती है तो फिर द साइट ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इट इज शिफ्टेड टू द बोन मैरो. ठीक है, फिर बोन मैरो के अंदर आपकी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होती है. हीम सिंथेसिस फॉर हीमोग्लोबिन इट इज इन बोन मैरो. ठीक है, समझ आ रही है? यस ओके. अब ये ना मुझे आपको कुछ बताना था कि हीमोग्लोबिन एफ के बारे में एक बात. ठीक है, हीमोग्लोबिन एफ के बारे में एक बात ये है कि इसकी अफिनिटी, इफ वी कंपेयर द अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर हीमोग्लोबिन एफ एंड हीमोग्लोबिन ए, सो हीमोग्लोबिन एफ इट हैज हायर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन हीमोग्लोबिन ए. इसकी क्या वजह है?
क्या सिग्निफिकेंस है, वजह तो मैं आपको बता दूंगी सिग्निफिकेंस क्या है. हीमोग्लोबिन एफ की एफिनिटी, इट इज मोर फॉर ऑक्सीजन देन द मेटर्नल हीमोग्लोबिन. मदर से हीमोग्लोबिन या मदर से जो ब्लड आता है उससे ज्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन एफ की ऑक्सीजन के लिए. कैन एनीवन टेल मी द सिग्निफिकेंस मिस ये बिकॉज लंग्स सही तरह नहीं बने होते तो ऑक्सीजन सही तरह मतलब बाहर नहीं निकल रही होती है तो ज्यादा ऑक्सीजन होती है. फिर इससे आपने एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं फीटस फीटल लाइफ हाँ मिस ये मतलब ये थ्रू आउट एडल्ट लाइफ है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ होती है सिर्फ ये एफिनिटी ज्यादा. नहीं नहीं एफिनिटी ज्यादा फीटल हीमोग्लोबिन में. वैसे तो फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी इज मोर थ्रू आउट आवर लाइफ लेकिन फीटस के पास तो होता ही फीटल हीमोग्लोबिन है. ठीक है उसकी एफिनिटी में आपको कह रही हूँ ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है एज कम्पेयर टू द एडल्ट हीमोग्लोबिन जो मेटर्नल हीमोग्लोबिन उसके पास आ रहा है ऑक्सीजन लेके. तो इसका कोई फायदा है या नहीं है या क्या सिग्निफिकेंस है, ऐसा क्यों अल्लाह ताला ने बनाया कि बेबी के जो हीमोग्लोबिन है फीटस का जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है as compared to the hemoglobin of the mother. Miss taki RBC counts zyada hai fetus. Ma'am, ye fetus ko hypoxia se bachata hai. Aur koi baat? Ma'am, fetus direct contact mein nahi hota oxygen ke sath environment mein. Theek hai phir. Isliye ma'am usko jo indirect oxygen mil rahi hoti hai uske liye uski affinity zyada hoti hai ki use uski body mein rahe oxygen. उसे इनडायरेक्ट मिल रही है ऑर्गन्स मैम क्योंकि उसके अलावा जो हमारा मैटरनल हीमोग्लोबिन है उस वो इसीलिए लूज करेगा क्योंकि अगर उसकी एफिनिटी ज्यादा होगी तभी वो उसे गेन कर सकेगा. यस पीटर गॉट इट एसएन गॉट इट. अच्छा जी गुड एसएन थैंक यू मैम. अच्छा अब होता ये है कि जाहिर है फीटस के पास ऑक्सीजन कहां से आनी है मदर के ब्लड से ऑक्सीजन लेनी है तो मदर का हीमोग्लोबिन की एफिनिटी और फीटस की हीमोग्लोबिन की एफिनिटी अगर सेम होगी तो फिर वो उसको कैसे डिलीवर करेगा ऑक्सीजन. ठीक है फीटस की एफिनिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी तो ही वो मदर के ब्लड से ऑक्सीजन ले सकेगा. डू यू गेट द पॉइंट. Yes, ma'am. मदर का जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी इतनी ज्यादा नहीं होती वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है. जब वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है तो जो फीटल हीमोग्लोबिन है इट एक्सेप्ट्स ऑक्सीजन. ठीक है अब इसकी एफिनिटी हाई क्यों कैसे होती है वो ऐसे होती है कि जो फीटल हीमोग्लोबिन है ये वीकली बाइंड करता है विद 2-3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट. ये उतनी हाई एफिनिटी के साथ 2-3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट के साथ बाइंड नहीं करता. ठीक है फीटल हीमोग्लोबिन के पास कुछ पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड नहीं होते हैं. ठीक है ये देखो ये मदर से आ रहा है फीटस के पास हीमोग्लोबिन आरबीसीज और ये डिलीवर करेंगे टू द फीटल हीमोग्लोबिन. ठीक है और इसकी अफिनिटी कम होगी ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा. ठीक फीटस जो है इट बाइंड्स लूजली विद और वीकली विद 2-3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट. ठीक है क्यों क्योंकि उसके पास कुछ पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड नहीं होते हैं. जब पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड नहीं होंगे तो फिर 2-3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट वीकली बाइंड करेगा बिटवीन 2 बीटा चेन्स. जब वीकली बाइंड करेगा तो फिर अफिनिटी विल बी हाई ऑक्सीजन को वो जल्दी रिलीज नहीं करेगा. ठीक है तो इसकी वजह से फैसिलिटेट करता है आरबीसी ये जो है ऑक्सीजन की अपटेक को फ्रॉम द मैटरनल हीमोग्लोबिन. यू गेट द पॉइंट और नॉट. मदर से ऑक्सीजन को के लेने को इजी बनाता है ये फैसिलिटेट करता है. ठीक है ओके. हीमोग्लोबिन A2 तो मैंने आपको बता दिया. ठीक है HbA1c के बारे में बस मैंने आपको बताना है थोड़ा सा. ये हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है. ठीक है इसके टर्मिनल साइड पे दो वेलिन अमाइनो एसिड्स होते हैं. दीज टू वेलिन्स दे बिकम्स ग्लाइकोसिलेटेड नॉर्मली भी. ठीक है अब अगर मैं किसी को पूछती हूँ वाइवा के अंदर कि हमारे अंदर HbA यानी कि लोग बच्चे ये कह रहे होते हैं कि जिनको डायबिटीज होता है उनके अंदर HbA1c होता है. ठीक है
मगर HbA1c तो सबके अंदर है, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी है, जिनको डायबिटीज नहीं है उन सबके अंदर HbA1c होता है, ठीक है। लेकिन जिनको डायबिटीज होता है उनके अंदर द लेवल ऑफ HbA1c इट राइजेस, ठीक है, हीमोग्लोबिन A1c बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? आपके RBCs का लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज, ठीक है। तो इन 120 दिनों में आपके अगर ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा है, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, सो मोर ऑफ द हीमोग्लोबिन इट विल बिकम ग्लाइकोसिलेटेड इन दीज 120 डेज। ज्यादा लेवल हो जाएगा HbA1c का इन डायबिटिक पेशेंट्स या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो जिनके, ठीक है। हमारे अंदर लेवल इट रेंजेस फ्रॉम 3 to 6, ठीक है, 3 to 6 इसका लेवल होता है। लेकिन जो डायबिटिक्स होते हैं इसके अंदर 6 से बढ़ जाता है लेवल, 7, 8, 9, इट डिपेंड्स, ठीक है। डायबिटिक्स के अंदर अगर 6, 7 हो तो ये इट मीन्स कि उसकी डायबिटीज कंट्रोल्ड है, ठीक है। ये क्योंकि ये 120 डेज का आपको शुगर लेवल बताता है पिछले 3 महीने का, तो फिर ये आपको ये बताता है कि कैसा कंट्रोल रहा है पेशेंट का ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ, ठीक है। HbA1c डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, HbA1c आपको ये बताता है कि पिछले 3 महीने में पेशेंट का शुगर लेवल कैसा रहा है, ठीक है। अगर तो आता है 7 की रेंज में, इसका मतलब है कि उसने शुगर को कंट्रोल किया है, ठीक है। अगर तो आता है 9 की रेंज में, इसका मतलब है कि पिछले 3 महीने में उसके शुगर कंट्रोल नहीं था, ठीक है। पेशेंट्स इस तरह भी तो कर सकते हैं ना कि आज डॉक्टर को चेक कराने जाना है तो उससे कोई 2-4 दिन पहले परहेज शुरू कर दिया, फिर टेस्ट करा लिया, जब टेस्ट कराएंगे तो उस वक्त फिर क्या आएगी, शुगर तो ठीक आएगी, तो वो डॉक्टर को कहेगा मेरी शुगर तो सही है, ठीक है। लेकिन HbA1c जब कराएंगे तो फिर पता चलेगा कि लास्ट 3 मंथ्स के अंदर इनकी तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं थी, ठीक है, ये बात समझ आती है। सो HbA1c इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द ग्लूकोज लेवल ऑफ द लास्ट 3 मंथ्स, प्रीवियस 3 मंथ्स। हाँ जी, समझ आती है बात। तो HbA1c है, ये मतलब 2-3 मंथ्स का सारा डाटा बताता है डायबिटीज का, सारा नहीं लेकिन एक आइडिया दे देता है ना, एक वैल्यू आती है HbA1c की, एक वैल्यू आती है 6, 7, 8, 5 से लेकर ऑनवर्ड्स 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना, एक वैल्यू आती है। उस लेवल से आपको अंदाजा हो जाता है कि ज्यादा तो नहीं रहा पिछले 3 महीनों में, कैसा रहा है लेवल, बड़ा वत था, अगर तो बड़ा वत था तो फिर 8, 9 वैल्यू आएगी, ठीक है। ओके, और अगर इतना बड़ा वा नहीं था फिर 6, 7 की रेंज में वैल्यू आएगी, ठीक है। ओके जी, अच्छा जी, अब ये मैं आपको एक डायग्राम दिखाने लगी हूँ, ये आपको फर्दर आगे ना समझने के लिए आसान होगी द डिजीजेस, ठीक है, डिजीजेस को समझने के लिए आसान होगी, ठीक। अगर आप कहते हैं, अगर आप थोड़े सैचुरेट हो गए हैं तो हम 2-3 मिनट रुक सकते हैं। जी मैम, थैंक यू, ठीक है। आप 2-3 मिनट जो है वो जरा पानी शानी पी लें, सांस ले लें, फिर मैं आपको ये जो है समझाती हूँ व्हाट डज दिस डायग्राम शोस, ठीक है। मैम, मेरी क्वेश्चन है कि जो आपने बाइंडिंग ऑफ 2-3-bisphosphor किस रेट में हमने बताया है, जो हीमोग्लोबिन एफ के साथ ही करता है, मिस
जी क्लास आर यू विद मी ओके अच्छा जी अब मैंने आपको जो बात बतानी है वो ये बतानी है कि हमने आपको बताया कि दो चेन्स होती हैं अल्फा और दो होती हैं बीटा ठीक है एक अल्फा फैमिली है और एक बीटा फैमिली है ठीक है जो अल्फा फैमिली है ये कौन से जीन के ऊपर होती है ठीक है कौन से क्रोमोसोम के ऊपर होती है और बीटा फैमिली कौन से क्रोमोसोम के ऊपर होती है इसके जीन्स ठीक है यू हैव द आईडिया अबाउट क्रोमोसोम्स एंड जीन्स यस मैम अब जो है एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज है हमारे पास एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज है अब अल्फा जीन फैमिली जो है ये अल्फा ग्लोबिन फैमिली इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 इसकी जो जीन है ठीक है अब अल्फा ग्लोबिन के जो आपको मैंने भी बताया मोस्टली हर हीमोग्लोबिन का पार्ट है अल्फा ठीक है सिवाय गोवर हीमोग्लोबिन उसके अंदर कौन सा होता है अल्फा की जगह बीटा बीटा ठीक है तो अल्फा जीन फैमिली इज ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 इट कंटेन्स वन जीन फॉर जीटा ठीक एंड इट कंटेन्स टू जीन्स फॉर अल्फा ये बात अब आपने याद रखनी है थैलेसीमिया के वक्त आपको दोबारा यहाँ रेफर करेंगे ठीक है वी हैव टू जीन्स फॉर अल्फा एक अल्फा टू एक अल्फा वन दोनों ही अल्फा चेन्स बनाते हैं ठीक है हमारे पास क्रोमोसोम 16 की दो कॉपीज हैं तो हमारे पास फिर कितने अल्फा जीन्स हुए चार सो वी हैव फोर अल्फा जीन्स जो कि अल्फा चेन बनाते हैं ठीक है एंड दिस अल्फा इट इज द पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन एफ ऑल्सो हीमोग्लोबिन ए टू हीमोग्लोबिन ए हीमोग्लोबिन ए वन सी ये सबका पार्ट होता है अल्फा ठीक है जो बीटा जीन फैमिली है इट इज द जीन्स फॉर बीटा ग्लोबिन फैमिली इट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 क्रोमोसोम नंबर 11 पर सबसे पहले जो हीमोग्लोबिन बनता है इन द फीटल लाइफ इन द स्टार्ट ऑफ द फीटल लाइफ इट इज गोवर वन और उसके अंदर बीटा नहीं होता बल्कि एप्सिलॉन होता है सो देयर इज वन जीन फॉर एप्सिलॉन फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर वी हैव गैमा चेन्स दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम जी गैमा एंड ए गैमा सो वी हैव टू जीन्स फॉर गैमा चेन्स दो जीन्स हैं जो गैमा सिंथेसाइज करते हैं ठीक है डेल्टा चेन के लिए वी हैव वन जीन एंड फॉर बीटा चेन वी हैव वन जीन ठीक है
तो असल में हमारे पास क्योंकि इसकी दो कॉपीज हैं तो हमारे पास बीटा के कितने कितने जीन्स हुए फिर? टू फोर बीटा के हमारे पास एक जीन एक क्रोमोसोम पर है, ठीक है, तो हमारे पास दो क्रोमोसोम हैं तो फिर हमारे पास कितने बीटा जीन्स हुए? दो होंगे अगर एक है। दो होंगे, ठीक है, बीटा के लिए हमारे पास एक जीन है एक क्रोमोसोम पे एंड वी हैव टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, दो हमारे पास 11 क्रोमोसोम है ना, सो वी हैव टू बीटा जीन्स, ठीक है, ओके। हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के स्टेप्स मैंने आपको बताने हैं, हर प्रोटीन की सिंथेसिस के यही स्टेप होते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए इट इज उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारे पास बन जाता है आरएनए, ठीक, आरएनए इज मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए के दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं एक्सॉन्स एक होते हैं इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स आर द कोडिंग पार्ट and introns are the non-coding regions. These non-coding white regions, they are removed through splicing. Ek process is splicing, jisko aap second year mein detail mein padhenge. Theek hai, these introns are removed and exons, they are joined together. And mature messenger RNA is formed. Sabse pehle pre-messenger RNA banta hai, ya precursor messenger RNA banta hai. It is converted after the removal of introns to the mature messenger RNA. This messenger RNA, then it will go to cytosol और वहाँ पर फिर translation होगी, translation है protein synthesis होगी and it is converted to hemoglobin. ये हैं different steps of hemoglobin synthesis. ठीक है? Yes ma'am. Okay. Now we'll come to hemoglobinopathies. Hemoglobinopathies हैं. Ma'am, steps repeat कर दें. स्टेप्स जो हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम डीएनए, डीएनए के ऊपर जीन है, ठीक है, एंड द जीन्स फॉर अल्फा चेन और बीटा चेन के जीन्स होते हैं, ठीक है, और डीएनए की जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो क्या बनता है हमारे पास? मैसेंजर आरएनए, ठीक है, और मैसेंजर आरएनए जो पहले बनता है वो प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक। This premature messenger RNA, it contains two regions. One is the coding region, which is called as exon, and the other is the non-coding region, which is called as introns. Introns, they are removed, okay, through the process which is called as splicing, and the exons, they are joined together to make a mature messenger RNA. This messenger RNA, it will go out of the DNA nucleus se bahar chala jayega in the cytosol. और फिर ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन में क्या होता है? मैम प्रोटीन आरएनए टू प्रोटीन होता है, आरएनए प्रोटीन बनती है, तो ये मैसेंजर आरएनए फिर प्रोटीन बनाता है हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स, एंड दीस अल्फा एंड बीटा चेन्स दे विल फोल्ड टुगेदर टू मेक द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं हीमोग्लोबिनोपैथीज के ऊपर। हीमोग्लोबिनोपैथीज जो है दीस आर द डिजीजेस व्हिच आर एसोसिएटेड विद हीमोग्लोबिन, द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब दो तरह की डिजीज होती है, ठीक है, एक ऐसी डिजीज, वी कैन डिवाइड द डिजीजेस इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है। वन इज द कैटेगरी इन विच एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथी, जिसमें हीमोग्लोबिन की क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं प्रोड्यूस होता है ड्यू टू सम म्यूटेशन, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथी। दूसरी हीमोग्लोबिनोपैथी होती है जिसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम बनती है, ठीक है, एंड दैट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज आर नोन एज क्वांटिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथी, ठीक है। क्वालिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथी में क्या होता है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इज प्रोड्यूस्ड, ओके, और क्वांटिटेटिव में नंबर क्वांटिटी लेस क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब इस
इसी डिवीजन के मुताबिक हमने जो हीमोग्लोबिनोपैथीज पढ़नी है यहाँ पर, हमने पढ़नी है सिकल सेल डिजीज, हीमोग्लोबिन सी डिजीज, हीमोग्लोबिन एस सी डिजीज, हीमोग्लोबिन यहाँ पे बाकी शो नहीं किए, हीमोग्लोबिन एम डिजीज, ठीक है, यह मुक्त और थैलेसीमिया, ये हमने पढ़नी है। ठीक, आज हमसे ये सारी तो कवर नहीं हो सकेंगी, ठीक है, मगर जितनी कवर होती है ये हम कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम मंडे को कर लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले जो हमने डिजीज करनी है, इट इज नोन एज सिकल सेल डिजीज, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या पता है? क्वालिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथी होगी, क्वालिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथी है, ठीक है। इसमें किसी को आइडिया है कि क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक एम ग्लूटामिक एसिड रहता है वेलाइन की जगह, वेलिन से रिप्लेस हो जाता है कार्बन से, बीटा चेन में सिक्स पोजीशन पे ले ऑन कार्बन, और बस। ओके, सो इन द सिकल सेल डिजीज देयर इज अ पॉइंट म्यूटेशन। सो व्हाट इज अ पॉइंट म्यूटेशन? आपको पता है कि तीन न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडॉन बनाते हैं, और उसको एक कोडॉन जो है वो कोड करता है अमाइनो एसिड को, ठीक है। अब एक न्यूक्लियोटाइड को के चेंज होने की वजह से the amino acid it becomes changed. So at the sixth position in the beta globin chain ki jo sixth position pe amino acid hai, normally it is glutamic acid, theek hai. So that glutamic acid, it is replaced by valine due to that point mutation, theek hai. Ab uski wajah se kya hota hai ki RBCs ki because jo hai wo shape change ho jati hai. नॉर्मली आर बी सीज थे आर बाइकन केव शेप, ठीक है, और वो फ्लैक्सीबल होते हैं, दे कैन पास थ्रू स्मॉल कैपिलरीज, ठीक है, लेकिन जब वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं ड्यू टू द म्यूटेशन, तो फिर वो छोटी छोटी कैपिलरीज में से क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, बल्कि कैपिलरीज की वॉल्स के साथ जाके स्टिक हो जाते हैं और वहाँ पे उन कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं। जहाँ जहाँ ये ब्लॉक करेंगे वहाँ वहाँ ऑक्सीजन उससे आगे नहीं पहुंच सकेगी, ठीक है। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो फिर वो एरिया उतना उतना जो है उस पर इन्फेक्शन होने लग जाता है, ठीक है, डेड होने लग जाता है। उसकी वजह से द पेशेंट्स दे फील सो मच पेन इन दैट एरिया, ठीक है। ये जो है डिजीज हमारे पास भी कॉमन है, लेकिन अमेरिका के अंदर ये काफ़ी कॉमन है। सबसे ज़्यादा ये जिस पॉपुलेशन में कॉमन है वो ज्यूज़ हैं, ठीक है, ज्यूज एस्केनाज़ी पॉपुलेशन, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इट इज़ अ होमोज़ाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। इसका क्या मतलब है होमोज़ाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर? दैट वो इंडिविजुअल्स या वो लोग जिनके पास दो म्यूटेंट जीन होंगे वो ही सिर्फ उनको ही सिकल सेल डिजीज होगी, जिनके पास एक नॉर्मल जीन होगा। मैंने आपको बताया हमारे पास दो होते हैं ना क्रोमोसोम हर चीज के, अगर एक नॉर्मल हो और एक म्यूटेंट हो तो फिर द पेशेंट इज अ कैरियर, ठीक है, उसको फिर सिकल सेल डिजीज नहीं होगी। ठीक, समझ आ रही है बात की? यस मैम। ओके, सो दिस डिजीज इज होमोज़ाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर, सो इट मींस दैट द पेशेंट जिसके अंदर ये एक्सप्रेस होगा या जिसको सिकल सेल डिजीज होगी उसके पास दोनों जीन्स जो हैं उसके वो म्यूटेटेड होंगे, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि उनके अंदर तो बीटा चेन नहीं बन रही होती ना, उनके अंदर कौन सी चेन बन रही होती है? डेल्टा चेन, ठीक, तो उनके अंदर तो अभी सिकलिंग स्टार्ट नहीं होती, लेकिन जैसे बर्थ होती है आफ्टर बर्थ बीटा चेन बननी शुरू होती है तो तब पता चलता है कि हाँ सिकलिंग जो है सिकल शेप सेल्स बनने शुरू होते हैं, जैसे जैसे बीटा चेन्स बनती हैं और एबनॉर्मल बनती हैं तो फिर उस वक्त सिकलिंग स्टार्ट होती है आफ्टर बर्थ, ठीक है। और उस हीमोग्लोबिन को वी कॉल एज हीमोग्लोबिन एस। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके?
सिम्टम्स ये होते हैं कि पेन होता है. पेन का रीजन मैंने आपको बता दिया क्या होता है. पेन का क्या रीजन होता है अभी दोबारा भी बता दूंगी. वो किसी एक जगह पे जाके मतलब के कैपिलरीज के अंदर थ्रिल में स्टिक हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है. ठीक है. इसके अलावा हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है. हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. ब्रेकडाउन. अभी जो इमैच्योर आरबीसीज होते हैं ना, ये इनका लाइफ स्पैन कम होता है. नॉर्मल आरबीसीज का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, तो इनका लाइफ स्पैन जो है वो 20 डेज ओनली होता है. ठीक है. 20 डेज के बाद ये टूटना शुरू हो जाते हैं. वो जब इतना ज्यादा टूटते हैं, जितना ज्यादा टूटेंगे तो फिर एनीमिया हो जाएगा. ठीक है. ब्लड की कमी हो जाएगी और जितना ज्यादा टूटेंगे तो हीम के टूटने से बिलिरुबिन बनता है. ठीक है. सो इट विल लीड टू हाइपर बिलिरुबिनीमिया. ठीक है. द लेवल ऑफ बिलिरुबिन इट विल राइज. ठीक है. और क्योंकि इनके ट्रीटमेंट में ये है कि इनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी जाए, ठीक, तो उससे उसकी वजह से इनको इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. बार बार मुख्तलिफ लोगों का ब्लड लगेगा तो इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है. ठीक. इसके अलावा कौन कौन से सिम्टम्स हैं? एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम. एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम में भी यही, और स्ट्रोक का भी यही रीजन है, और स्प्लीनिक और रीनल डिसफंक्शन का भी यही रीजन है कि ये कैपिलरीज को ऑक्लूड कर देते हैं, कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है. और इसकी वजह से फिर उन जगहों के ऊपर ब्लॉकेज हो जाती है, उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, उसकी वजह से पेन हो सकता है. ठीक है. बोन, क्योंकि अब जाहिर है अगर ब्लड कम है तो या हीमोग्लोबिन कम है तो आपकी बोन मैरो बहुत ज़्यादा सेल्स बनाएगी. ठीक है. जब वो ज़्यादा आरबीसीज बनाएगी तो देर विल बी बोन मैरो हाइपरप्लेजिया. ठीक है. जब बोन मैरो ज़्यादा उसका हाइपरप्लेजिया होगा तो बोन्स का साइज भी फर्क होगा. देर विल बी चेंज इन द साइज ऑफ द बोन्स. ठीक है. और जो लोग कैरियर होते हैं, कैरियर आर हेट्रोजाइगोट्स, जिनके अंदर एक नॉर्मल जीन होता है और एक जो है वो एबनॉर्मल जीन होता है, ये कैरियर होते हैं. इनके अंदर कोई खास सिम्टम्स नहीं होते. ठीक है. और आरबीसीज का लेकिन लाइफ स्पैन इज अ बिट लेसर देन द नॉर्मल आरबीसीज. एक्सक्यूज मी मिस, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या है? हाइपरप्लेजिया का मतलब है ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन. आप कह रहे वो चीज की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है. जो चीज़ आपकी बॉडी में, ये एक रूल है बॉडी का, जो चीज़ आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो ज़्यादा ग्रो करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल, आप एक बाजू अपना इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसे आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उसके मसल ज़्यादा बिल्ड हो जाएंगे. ठीक. दूसरा, आप अपना बाजू में कम एक्सरसाइज करते हैं, उसको कम इस्तेमाल करते हैं तो उसके मसल्स दे विल बी वीक. इसी तरह क्योंकि ये सिकल सेल डिजीज़ के अंदर आपको एनीमिया हो जाता है पेशेंट्स को. जब एनीमिया होता है तो फिर बॉडी को ये सिग्नल जाता है दैट वी नीड मोर हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन कहाँ बन रहा है? बोन मैरो में. ठीक है. बोन मैरो ज्यादा हीमोग्लोबिन बनाएगा, बोन मैरो को ज्यादा काम करना पड़ रहा है. ठीक है. सो द बोन मैरो इट विल इंक्रीज इन साइज. तो बोन का साइज भी जो है वो चेंज होता है. देयर इज हाइपरप्लेजिया ऑफ बोन मैरो. ठीक है. अच्छा जी, अब होता क्या है कि नॉर्मल मैंने आपको बताया 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन लग जाता है. ग्लूटामिक एसिड इट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड. ठीक है. उसकी जगह जो वेलिन लगता है, वेलिन के ऊपर चार्ज नहीं होता, इट इज नॉन पोलर. ठीक. तो जब आप इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर रन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर कैसे रन होती है चीजें? अब क्योंकि इसके पास ग्लूटामिक एसिड हमारे नॉर्मल हीमोग्लोबिन के पास होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ ज्यादा तेजी से मूव करेगा. ठीक है. सिकल सेल में दिस नेगेटिव चार्ज इट इज रिमूव्ड और इसकी जगह आ जाता है 6th पोजीशन पर ही सिर्फ वेलिन. तो हीमोग्लोबिन जो सिकल सेल डिजीज है, इसकी मोबिलिटी विल बी लोअर एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन ए. ठीक है. अगर आपने इसको डायग्नोज करना है तो आप इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं. ठीक है. कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन के मुकाबले में कितना इसका रेट ऑफ मूवमेंट है, ये रेट ऑफ माइग्रेशन है इस हीमोग्लोबिन का. देयर इज अनदर डिजीज व्हिच इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन सी डिजीज. उसके अंदर इसी सेम पोजिशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह लाइसीन लग जाता है. लाइसीन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है. तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये तो बहुत ही स्लो मूव करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. ठीक है. तो अगर बहुत स्लो मूव करे देन
the hemoglobin is hemoglobin C disease. ठीक है, समझ आ रही है बात की? अच्छा जी, अब इसकी सिकल शेप बनती क्यों है? ठीक है, सिकल शेप क्यों हो जाते हैं? किसी को अंदाजा है सिकल शेप क्यों हो जाते हैं? Why do the cell they are converted from the normal biconcave to the sickle shape due to a single point mutation? एक mutation की वजह से इतना change कैसे आता है? मैम जो glutamic acid होता है वो हमारे पास acidic होता है, जबकि जो lysine है valine के साथ replace हो जाता है, तो वो हमारे पास मतलब के neutral है. ठीक है. मैम इस तरह इतनी binding नहीं रहती polypeptide chain में. Polar non polar अच्छा, इशू ये होता है इसके अंदर कि जब ग्लूटामिक एसिड वेलिन के साथ रिप्लेस होता है तो बीटा चेन्स के अंदर देयर इज अ चेंज. ठीक है, एक पॉकेट बन जाती है और एक प्रोट्यूजन बन जाती है. ठीक है, आप ये देखेंगे तो एक चीज एक आउटग्रोथ है और एक इनग्रोथ है. ठीक है, तो बीटा चेन्स की शेप चेंज हो जाती है, देयर इज एन आउटग्रोथ एंड देयर इज एन इनग्रोथ. ठीक है, अब ये जब इस तरह बन जाते हैं सारे बीटा चेन्स, तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये देखो ये एक दूसरे के अंदर फिक्स होते जाती है बीटा चेन्स. ठीक है, दे बिकम फिक्स्ड इनटू वन अनदर एंड दे मेक अ रोप लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, ये जो बीटा चेन्स हैं इनके अंदर हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स बन जाती हैं. ठीक है, दीज पॉकेट्स दे गेट इंटरलॉक्ड इन वन अनदर एंड द हीमोग्लोबिन इट बिकम्स इट मेक्स अ रोप लाइक स्ट्रक्चर एंड ड्यू टू दिस रोप लाइक स्ट्रक्चर देन the shape of the hemoglobin it is converted from the normal biconcave to sickle shape. ठीक है, ये normal shape है. normal आपकी जो capillaries हैं ये आपका biconcave shape जो होती है ये flexible होती है, ये इसमें से गुजर जाती है, लेकिन जो sickle shaped हैं ये फिर उन capillaries में से नहीं गुजरते. ठीक है, और जो sickling है वो कुछ conditions के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है. ठीक है, वो कौन कौन सी कंडीशन है वो मैं अभी आपको बताती हूँ. अब जब ये सिकल शेप हीमोग्लोबिन है, सिकल शेप सेल है, जो जब ये क्रॉस करेंगे थ्रू द नैरो कैपिलरीज तो ये उसकी वॉल के साथ स्टिक कर जाते हैं और ये फिर उसको ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है, ये देखो जिस तरह ये बता रहे हैं, ये नॉर्मल शेप गुजर गई है और सिकल शेप जो है यहाँ पर रुक गए. ठीक है, और ये क्रॉस नहीं कर सकते आगे जो है, फिर जहाँ तक आगे अगर ब्लड नहीं जाएगा तो फिर आगे ऑक्सीजन भी डिलीवर नहीं होगी एंड द टिश्यूज विच आर प्रेजेंट बिहाइंड दिस ब्लॉकेज उसके बाद जो है वो क्या होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच सकेगी. ठीक है, एंड देयर विल बी टिश्यू इन्फेक्शन और सेल डेथ हो जाएगी आगे. इसकी वजह से जो है पेन होता है, यहाँ पे इस डायग्राम में भी यही शो किया है. ठीक है, नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट इंक्रीज सिकलिंग, सिकलिंग को बढ़ाते हैं. ठीक है, वो सारे वेरिएबल जो डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करते हैं, जो मैंने आपको एलोस्टेरिक फैक्टर्स बताए हैं, ऑल द फैक्टर्स दैट प्रमोट द डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम करते हैं, वो सब के सब फैक्टर्स जो है सिकलिंग को भी ज्यादा करेंगे. ठीक है, वो सब के सब क्या फैक्टर्स हैं, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन प्रेशर. ठीक है, जैसे हाई अल्टीट्यूड्स पे या प्लेन्स के अंदर जब ऑक्सीजन जब आप ऊपर को जाते हैं, ठीक, ऑक्सीजन कम हो जाती है तो फिर वहाँ पर सिकलिंग ज़्यादा होगी. ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो सिकलिंग ज़्यादा हो जाएगी. पीएच कम हो जाएगी, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगी तो सिकलिंग ज़्यादा हो जाएगी. इन डिहाइड्रेशन देयर इज मोर सिकलिंग. And if the level of 2,3 bisphosphoglycerate rises, then it increases the sickling. ठीक है, समझ आ रही है बात की या नहीं आ रही? ये आपको MCQ समझ नहीं आई. डीऑक्सी फॉर्म हीमोग्लोबिन की कौन सी होती है, जब ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है. ठीक है, yes, ma'am, रिलीज हो जाता है. तो वो सारे फैक्टर्स जो ऑक्सीजन को रिलीज कराते हैं, वो सारे फैक्टर्स सिकलिंग को इनहांस करते हैं. मैंने आपको एक एक करके एलोस्टेरिक फैक्टर्स बताए हैं ना. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज कराता है
मैम उससे सिकलिंग मतलब कैसे होगी? जो पीएच होगी तो वो ऑक्सीजन को रिलीज कर, किसी ऐसी जगह पे चले जाते ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो ऐसे पेशेंट्स फिर अगर ऐसी जगह पे चले जाएं तो उनके अंदर सिकलिंग ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? सिकल सेल्स ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे, सिम्टम्स ज्यादा आ जाएंगे उनको, ठीक है? ज्यादा सेल्स से सिकल शेप होना शुरू हो, वो तो पहले ही सिकल सेल शेप टाइप है, पहले नहीं होते, यही तो बता रही हूँ, पहले कुछ होते हैं लेकिन ज्यादा उनकी प्रोडक्शन तब हो जाती है जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, या ये एलोस्टेरिक फैक्टर, या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, या पीएच ज्यादा कम हो जाती है, या 2-3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट का लेवल, 2-3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट भी ऑक्सीजन को रिलीज कराता है, जब ये सारे फैक्टर्स होते हैं तो ऑल दीज फैक्टर्स दे विल इंक्रीज द लेवल ऑफ सिकलिंग। ये आपको एमसीक्यूज के अंदर सवाल आएगा, आ सकता है। मैम कितना रहता है और? बस मैंने यही कराना है, ट्रीटमेंट कराना है और एक और बात बतानी है फिर बस। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका ये है कि क्योंकि डिहाइड्रेशन इसको इसके अंदर हो जाती है और डिहाइड्रेशन की वजह से सिकलिंग होती है, तो पेशेंट को हाइड्रेटेड रखें, पानी वगैरह दें, ठीक है? एनाल्जेसिक्स यानी ऐसी चीजें जिससे उसका पेन रिलीफ हो, ठीक है? सो पेन किलर्स दे सकते हैं क्योंकि इनके अंदर इन्फेक्शन होती है पेशेंट्स के अंदर, तो उनको एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ठीक है? और अगर जैसे एनीमिया, सीवियर एनीमिया होता है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उसका एक नुकसान भी होता है, ठीक है? उसका नुकसान ये होता है कि बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो ज़ाहिर है हीमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा होगा, हीम के अंदर आयरन होता है, सो इट विल लीड टू आयरन ओवरलोड, एंड दिस आयरन ओवरलोड इज नोन एज हीमोसिड्रोसिस, ठीक है? ये एक काफ़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है कि आयरन ओवरलोड हो जाता है, आयरन ज़्यादा हो जाता है, फिर ये आयरन मुख्तलिफ आपके टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट होने शुरू हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा एक ब्लड, एक पेशेंट को मुख्तलिफ लोगों का ब्लड लगेगा तो पता नहीं अगले जो जिनका ब्लड लग रहा है उनको कोई इन्फेक्शन हो या क्या, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं, और जिस तरह पॉजिटिव नेगेटिव या कोई और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, बार बार ब्लड लगने से मुख्तलिफ लोगों का इम्यूनोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है? एक ट्रीटमेंट ये है कि हाइड्रोक्सी यूरिया दें, ठीक है? हाइड्रोक्सी यूरिया इज अ ड्रग विच इज एन एंटी ट्यूमर ड्रग, ये क्या करता है कि ये फीटल सेल्स HbF हीमोग्लोबिन F के लेवल्स को ज्यादा कर देता है, ठीक है? जब हीमोग्लोबिन F का लेवल ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, ये सिकल सेल को थोड़ा सा रिप्लेस करेगा, ठीक है? सिम्टम्स को थोड़ा बेहतर करेगा। अच्छा, एक फ़ायदा भी है, ये लास्ट बात मैं आपको बता रही हूँ, एक फ़ायदा ये है इसका दैट जिनको सिकल सेल डिजीज होती है उनको मलेरिया नहीं होता, ठीक है? किसी को अंदाजा है उनको मलेरिया क्यों नहीं होता? एनीवन, द पेशेंट्स हु सफर फ्रॉम सिकल सेल डिजीज दे आर लेस प्रोन टू मलेरिया एंड दे आर लेस ससेप्टेबल टू मलेरिया, व्हाई? प्लाज्मोडियम अंदर तो जाता है लेकिन प्लाज्मोडियम जो है उसने एक खास अपनी लाइफ का पार्ट हमारे सेल के अंदर जो है ना स्पेंड करना होता है, अपना पूरा लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए उसको एक खास टाइम चाहिए कि वो हमारे सेल के अंदर रहे, ठीक है? मगर क्योंकि सिकल शेप जो सेल है उनका लाइफ स्पेन 20 डेज है, थोड़े दिनों बाद उन्होंने डिस्ट्रॉय हो जाना होता है, तो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पूरा नहीं होता, ठीक है? तो इसीलिए सेल उसके साइकिल पूरा होने से पहले ही टूट जाते हैं, इसी वजह से दे आर लेस ससेप्टेबल टू मलेरिया। ओके, मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम आता है वो उसने हमारे रेड ब्लड सेल्स के कोई इफेक्ट करता है? हाँ, थोड़ा सा टाइम अपना लाइफ स्पैन, उसमें आप लाइफ साइकिल पढ़े ना प्लाज्मोडियम का, तो हमारे ब्लड के अंदर थोड़ा सा टाइम रहता है, जब आपको मच्छर काटता है ना तो वो थोड़ा सा टाइम, जिनको मलेरिया होता है ना वो उसने कुछ अपना लाइफ स्पैन इधर हमारे सेल के अंदर पूरा करना होता है, ठीक है? लेकिन जो सिकल सेल है इसमें लाइफ स्पैन क्योंकि आरबीसी का कम होता है तो वो अपना लाइफ स्पैन पूरा नहीं कर सकता उतनी देर के वो मलेरिया कॉज करे,
तो उससे पहले ही वो आरबीसी टूट जाते हैं, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे, मंडे को यहाँ तक पढ़ के आए इंशाल्लाह मैम, ठीक है। लिपिन कौशल ही सारा करना है और जितना जितना उसमें लिखा है वो आपके लिए काफी है। ओके मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।